मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग सब जरूर बताइए। और ये रहे मेरे प्यारे प्यारे बाबू बाबू बाबू, हाय कर दो। हाय फ्रेंड्स एंड गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून हो चुका है। अभी मैं बनाने के लिए जा रही थी लंच, और लंच में आज अच्छा अच्छा खाना बनाऊंगी। बाबू को क्या खाना बनेगा ना, रात से ही मालूम है, तो पूछ रहे मम्मा कब बनेगा, मम्मा कब बनेगा। तो आज जो चीज बन रहा है ना, वो लेट होगा, मिनिमम तो 1.5-2 घंटा लगेगा उसको बनाने के लिए। और क्या बनेगा मैं किचन में जाकर आप लोगों के साथ मिलूंगी। तो बाबू का अभी क्लास स्टार्ट हुआ था, बीच में ब्रेक मिल रहा था, तो और भी और एक स्टार्ट होगा। तो बाबू करेगा पढ़ाई और हम लोग चलते किचन में करते कुकिंग, ठीक है। और अभी तो गए ऑफिस, और त्रिशा तो वो रूम में फर्स्ट खाकर जाकर बैठी है, और मैं चलूंगी किचन में। चलते हम सब चलते किचन में खाना बनाने के लिए, क्योंकि इधर हमारा अभी कोई काम नहीं है। थोड़ी टाइम के बाद बाबू का स्टार्ट हो जाएगा क्लास फिर से, ठीक है। चल हाँ, ओके जा। तो आ गए हम लोग किचन में। ड्राइंग रूम से किचन इतना दूर है, मुझे आने के लिए ना मेरा पैर हाथ सब दुखता है, सच में बहुत दुखता है फ्रेंड्स। और खाने में आज क्या बनेगा, क्या सोच रहे हो आप लोग? ये देखिए, ये हांडी को देख के तो आपको मालूम पड़ गया होगा कि आज खाने में क्या बनेगा। चिकन बिरयानी, मटन पुलाव, क्या क्या सोच रहे हो आप लोग? ये कुछ भी नहीं बनेगा। आज बनेगा हबी का पसंद का मशरूम पुलाव। तो आप सोच रहे होंगे मशरूम पुलाव बनाने के लिए रश्मि इतना खुश, ये हो ही नहीं सकता। बिल्ली भेज खाने के लिए इतना खुश, आपने सही पकड़े हैं दोस्तों, बिल्कुल सही पकड़े है। इतना खुश तो मैं मशरूम पुलाव के लिए हो ही नहीं सकती। मशरूम पुलाव जिसके लिए बन रहा है वो आकर बताएंगे मशरूम पुलाव कैसे हुए। वो तो अभी रात को आएंगे, मतलब इवनिंग को आएंगे, तो रात को खाएंगे तो आप लोगों को बोलेंगे, पर आप लोगों को बोलेंगे उस टाइम शूट होगा तो आप लोग देख पाओगे, अगर शूट नहीं हुआ तो भी नहीं देख पाओगे। पर हम लोग भी दोपहर को खाएंगे। मैं आज डिनर लंच एक साथ बना रही हूँ, क्योंकि आज लंच में भी हम लोग खाएंगे मशरूम पुलाव और डिनर में भी खाएंगे मशरूम पुलाव। और मशरूम पुलाव के साथ अभी क्या हम लोग खाएंगे, इसलिए मेरा फेस इतना खुश और बाबू भी इतना खुश, उसको बता देती हूँ। वो रेसिपी का नाम है, मैं दिखा देती हूँ, बताऊंगी तो अच्छा नहीं लगेगा, दिखा देती हूँ तो आप भी खुश हो जाओगे, ठीक है। मैं लेकर आती हूँ, एक मिनट आ रही हूँ, आ रही हूँ। क्या है ये? चिकन कबाब। आप वही सोच रहे हो कि ये जो लेकर आ जाते हैं पतीला, इसमें तो चिकन ही रहता है, हमेशा वो चिकन मेहनत करती है बिल्ली। नहीं, ये भी गलत सोच रहे हो। ये क्या सोच रहे हो? ये है टेंटन आई, पूरा देखिए का रात से फ्रिज में था, इसका मैरिनेशन की थी मैं, तो इसका मैरिनेशन की थी। तो वाओ, ये देखे चिकन तंदूरी बनेगा आज। बहुत दिन के बाद मैं बना रही हूँ चिकन तंदूरी। इसमें थोड़ा टाइम लगता है, पर खाने के लिए इतना अच्छा लगता है, क्या बोलू, कितना अच्छा लगता है। तो ये कल रात को ही मैं मैरिनेशन कर ली थी, और कैसे मैरिनेशन की थी, कैसे बनेगा, ये सब ये चैनल में नहीं आएगा, ये सब आएगा मेरी ओडिया चैनल में। तो ओडिया चैनल का नाम है रश्मि ओडिया ब्लॉग्स, एस लगता है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी इसका लिंक, आप लोग डायरेक्ट जाके ओडिया चैनल में चेक कर सकते हो। वो ब्लॉग आ जाएगा या ये ब्लॉग इससे पहले आएगा मुझे मालूम नहीं, पर 1-2 दिन के में जब ये बनता है तो 1-2 दिन के बाद उधर भी मैं दे देती हूँ। तो आप लोग जरूर चेक कर दीजिए, एक बार आ चुका होगा शायद ये रेसिपी, तो आप लोग देख लीजिए। अगर नहीं आया तो कल तक आ जाएगा, आप लोग वेट करिए। तो उसकी जो चिकन तंदूर का रेसिपी ना, मेरी ये हिंदी ब्लॉग में मैं मिनिमम 4-5 बार तो दी हूँ, तो मैं आज सोची कि ओडिया ब्लॉग में मैं मेरी चिकन तंदूरी का रेसिपी दूंगी। फुल लेग का चिकन तंदूरी बन रहा है, फुल लेग का चिकन तंदूरी बनेगा आज। 3 फुल लेग का है और 2 ड्रमस्टिक पीस है, तो ये बनेगा। चिकन तंदूरी बनेगा लंच में, और बनेगा मशरूम पुलाव यही, और उसके साथ बनाऊंगी धनिया का चटनी, वो तंदूरी के साथ ना खाने में अच्छा लगेगा। तो ये बनाऊंगी, बहुत इजी मशरूम पुलाव बनाऊंगी। तो चलिए शुरू कर लेते खाना, नहीं तो लेट हो जाएगा, और इसको भी ग्रिल में बिठाऊंगी।
तो यहाँ पे तो चिकन तंदूरी बिठा दी। अभी मैं मशरूम पुलाव बनाने के लिए चलूंगी गैस के पास, मशरूम पुलाव बनाते हैं फिर लंच करते हैं। और इसको तो अभी आधा घंटा लगेगा, आधा घंटा 40 मिनट लगेगा, तो वो अपने आप होगा, मुझे इसका कोई जरूरत नहीं। अरबिट ना एक मुझे मिल गया, तो खा लूंगी, मुझे बहुत पसंद है। अभी फोकस करते हैं मशरूम पुलाव बनाने के लिए। तो मशरूम पुलाव बनाने के लिए पहले गैस को करना पड़ेगा ऑन। तो मशरूम पुलाव बनाने के लिए चाहिए प्याज, टमाटर और ये कटा हुआ मशरूम चाहिए, ग्रीन चिली और ग्रीन चिली चाहिए, और चाहिए ब्लैक पेपर खूब सारा, क्योंकि व्हाइट मशरूम पुलाव बनेगा तो तीखा जो है ना ये पेपर से और ये ग्रीन चिली से ही आएगा। इसमें रेड चिली पाउडर बिल्कुल यूज़ नहीं करूँगी मैं, और थोड़ा सा स्टार अनिस और दालचीनी, लौंग और इलायची। माँ इलायची किधर रखी, ये देखिए इलायची, ये दो इलायची सबको ना मैं कूट लूँगी। कूट लेंगे ना मसाला को तो ये मुंह में नहीं आएगा, तो बच्चे इजीली खा पाएंगे। तो सारे मसाला को ना मैं अभी कूट लूँगी, कूट के मैं यूज़ करूँगी। तो मसाला को कूट लेते, तो यहाँ पे हंडी गरम हो चुका है, तो अब डालेंगे इसमें ऑयल। अब डालते हैं पैन में, मैं तेजपत्ता भी लूँगी, तेजपत्ता यूज़ करना है। तो ये तीन तेजपत्ता पहले तेल में डाल दूंगी, फिर ये प्याज भी डाल दूंगी। अब प्याज को अच्छे से भूनेंगे पूरा लाल लाल करके। तो ये देखिए अच्छे से कूट लिया वो गरम मसाला को। अब इसमें ना एक चीज डालना है, मैं भूल गई उस टाइम भूलने के लिए, इसके बगैर तो पुलाव नहीं बन सकता, बिरयानी नहीं बन सकता है, और वो है जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये मस्त चाहिए। अभी प्याज भून गया है, अब मैं डालूंगी जिंजर गार्लिक पेस्ट। देखिए प्याज फ्राई हो चुका है, अब जिंजर गार्लिक पेस्ट दो स्पून डालूंगी, दो स्पून भर भर के, तो तीन स्पून के बराबर ही होगा ये। देखिए दो स्पून भर भर के, दो स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट के ना रॉस मेल जाने तक भुनेंगे। अभी अभी साथ में टमाटर भी डाल दूंगी, ये टमाटर और हरी मिर्च दोनों को डाल दूंगी। तो टमाटर भी अच्छे से गल जाएगा। अब मैं नमक भी दे दूंगी स्वाद के हिसाब से नमक। अब सबको अच्छे से मिक्स करके भुनेंगे, टमाटर गल जाएगा, जिंजर गार्लिक पेस्ट का रॉस में चला जाएगा, तब तक भुनेंगे। अभी ढक्कन लगा देते और भुनने देते। अब इसमें ये मशरूम डाल देंगे और मिक्स करके मशरूम को भी मसाले के साथ थोड़ी देर भुनेंगे। अब बिल्कुल भी नहीं ढकेंगे, नहीं तो मशरूम से पानी निकल जाएगा। ऐसे खुला ही हाई फ्लेम में ही भुनेंगे, मशरूम बहुत जल्दी पक जाता है। अब ढक देंगे ना पूरा पानी पानी हो जाएगा। ये देखो बाबू कैसे घूम रहा है। अब मशरूम और मसाला भुनना हो गया है, अब डाल देते हैं चावल को। चावल को भी दो से तीन मिनट ना फ्राई करूंगी, उसके बाद मेजरमेंट करके पानी दे दूंगी। तीन गिलास चावल के छः गिलास पानी, आप एक गिलास चावल ले रहे हो तो दो गिलास पानी, और दो गिलास चावल ले रहे हो तो चार गिलास पानी। अब इसमें पानी दे देंगे, अब इसका एक बॉईल आने तक इसको मीडियम फ्लेम में रखेंगे, उसके बाद सिम करके दम पे लगा देंगे, फिर रेडी हो जाएगा मशरूम पुलाव। अब इसमें देंगे ये जो कुटा हुआ गरम मसाला, बाबू का क्लास खत्म हो गया है और वो आ गया ये जो स्नैक्स खाने के लिए। दोनों को बहुत जोर से भूख लग गया है और मम्मी का खाना बना नहीं है। चिकन तंदूरी जब बनता है ना थोड़ा लेट होता है, क्या करेंगे, भी और 15-20 मिनट में हो जाएगा। फिर मुझे भी बहुत भूख लग गया है, पर मैं किसको बोलूँगी,
मेरे मम्मी तो अभी यहाँ पे नहीं है। अब देखिए पानी का बॉईल आ चुका है, एक बार मिक्स करेंगे चावल को, हल्के हाथ से मिक्स करेंगे, हाथ को एकदम टाइट नहीं करेंगे, बल्क का उपयोग नहीं करेंगे, बल्क कम उपयोग करके राइस को पकाएंगे। अभी देखिए गैस को सिम कर दिया है, अभी सिम में ही ये राइस होगा, अब इसको लगा देते हैं, अभी बिल्कुल भी नहीं ओपन करेंगे, और 10 मिनट लगेगा फिर हो जाएगा मशरूम पुलाव। अब यहाँ पे तंदूर भी हो गया है, चिकन तंदूर, चलिए निकालते। This is mushroom pulao. And this is chicken tandoori. तो खाना हो गया रेडी, दो तो खाना है, हाँ चटनी लेकर आऊंगी मैं, फिर करेंगे हम लोग लंच, और ये तंदूरी को भी दिखाऊंगी कैसा हुआ है। तो ये देखिए चिकन तंदूरी मस्त हुआ है एकदम, स्मोकी फ्लेवर। और ये रेसिपी देखने के लिए आपको जाना पड़ेगा किधर, उड़िया चैनल में, ठीक है। क्या बनाए क्या बोलूँ, और इसमें ज़्यादा भूल भी नहीं सकती, इतना टेस्टी वाला है, और इतना भूख लग गया है ना, अभी खाने में फोकस करते हैं, ठीक है। उसको यहाँ पर निकल के रख लेती हूँ, देखते हैं कैसा हुआ है मशरूम पुलाव। और ये चटनी को भी निकाल देते, ये रहा हरा चटनी। तो ये रहा आज का हमारा लंच, मशरूम पुलाव और चिकन तंदूरी। और ये है हरा चटनी, देखिए कितना अच्छा बना है, खिला खिला मशरूम पुलाव। खाना तो रेडी हो गया, पर प्याज लाने के लिए भूल गए, तो प्याज ला रहे, बिना प्याज का तंदूर कैसे खाएंगे। तो त्रिशा लेकर आ रही है प्याज चॉप करके, बाबू तो प्याज नहीं खाएगा, तो बाबू खा लेगा, नहीं बाबू तो खा दे, तू को प्याज खाओगी नहीं ना, तो बाबू को दे देते। दीजिए चटनी खाई, ग्रीन चटनी नहीं, वो चिकन तंदूरी खा कर बोलेगा कैसा हुआ, अच्छा होगा कि रपो यम्मी। और ये आ गया प्याज, इसे चॉप करके लेकर आ गई, हम लोग प्लेट में ले लेते प्याज को, गुट के दी रखो एक दो। तो चलो फ्रेंड्स खाना खा लेते, अभी बहुत जोर से भूख लगा, बाबू मामू तो ऑलरेडी शुरू कर दिए, किम भी जमा अच्छा पूरा टेस्टी, भले तो बच्चे खुश है तो और कुछ नहीं चाहिए। ये रहा चटनी, अभी चटनी खाएंगे, माँ नॉनवेज में इससे उंची रहे ना, पापा असली रात ही खाएंगे चटनी, मत भी दे दे साइड में, देखो टिक्के ना टिक्के नहीं ना, टिक्के देता हूँ टिक्के, वन स्पून का
మీకు వచ్చింది సైడ్ కు స్మోక్ ఆ ప్లేస్ सब चली गई उसके प्लेस में और मैं आ गई मेरी प्लेस में। पुलाव डब पुलाव डब बढ़िया लाइट इसमें मटन पुलाव मस्त हुआ है। अभी पूरा खुश हो जाएंगे। पानी अनिल माँ पानी अंदर पानी भी आज सब भूल जाते हैं। ये तंदूर देख के ना प्याज काटने के लिए भूल गए थे, पानी लाने के लिए भूल गए थे, पानी ला रहे थे सब। दिखा दिखा क्या बनाए अंदर को खाते बाबू चटनी मना कर रहा था, अभी बोला और एक बार तो चटनी ना कौन रागो रागो एक की मस्त है बोले नहीं ना। और रात को अभी के लिए ये मशरूम पुलाव के साथ पनीर है, पनीर को भी उनके लिए पनीर टिक्का बना दूंगी बड़ा बड़ा कट करके। कॉर्ड है कॉर्ड के साथ ऐसे मैरिनेट करके एक बार तो दी थी रेसिपी, तो सही पैन में ग्रिल पैन है मेरे पास, उसमें फ्राई करूंगी तो वो भी खाएंगे अच्छा लगेगा, और तो गर्म गर्म बनाऊंगी तो अच्छा लगेगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय फ्रेंड्स, लव यू ऑल, टेक केयर, और प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो जो नए देख रहे हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फ्रेंड्स बाय बाय फ्रेंड्स, और ये दोनों खाने में बिजी बाय बाय बोले मुझे सुनने नहीं दे रहा, बाय अभी सुनाई दिया इसको तो बिल्कुल सुनने नहीं दे रहा। खाने में पूरा तंदूर बनाए ना।